नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और वक्त हो गया है खबरों को विस्तार और रफ्तार से आप तक पहुंचाने का। तो शुरुआत करते हैं खबरें दिन भर की। कोरोना के बीच यूपी में दो आईएएस और दो सीनियर पीसीएस अफसरों का हुआ तबादला। इनमें से मासूम अली सरवर एमडी पीसीएस, अभिषेक पांडे सीडीओ बुलंदशहर बनाए गए हैं और विद्याशंकर सिंह को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त, सुधीर कुमार रुंगटा एडीएम न्याय कमेटी बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कम्युनिटी किचन से 54,400 जरूरतमंदों के लिए खाना खिलाया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन से शहर के कई स्थानों, संगठनों एवं महानुभावों के सहयोग से लगभग 54,400 जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट्स बांटे। लखनऊ में प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कोरोना को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी वन अधिकारियों से विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान दारा सिंह ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाए। साथ ही कहा कि जू में कोरोना को लेकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। बता दें कि दारा सिंह चौहान ने 25 करोड़ वृक्ष लगाने के टारगेट के प्रति रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों में जीव जंतुओं की सुरक्षा के साथ साथ कर्मियों के थर्मल जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में गरीब मजदूरों के सामने बड़ी समस्या भोजन की है। हालांकि सरकार का दावा है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन इस दावे के जिम्मेदारों को कोई परवाह नहीं है। बरेली में एक ही परिवार के 6 लोगों में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद जिले भर में खलबली मच गई है। लेकिन अब कोरोना संक्रमित परिवार के सभी 6 लोग पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। परिवार के 2 लोगों को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया और जबकि 4 लोगों को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हाथरस के थाना कोतवाली सदर इलाके में लॉकडाउन के चलते पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शहर के बीचों बीच स्थित गलियों में पुलिस द्वारा गश्त लगाकर लोगों को लॉकडाउन पालन के नियमों का पालन करने के साथ घरों में रहने की पुलिस हिदायत दे रही है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू है। ऐसे में कृषि प्रधान कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर दोहरा संकट आ खड़ा है। सरकार के कैबिनेट मंत्री जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह की विचार में बशीर महेंद्रमती सिंह ने सेवा और समर्पण भाव से लोगों को स्वच्छ रखने के लिए कोरोना महामारी से अपने जान में जोखिम में डालकर घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर सफाई का कार्य कर रहे हैं। अमरोहा नगर में कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और उनकी क्लास बाकायदा ऑनलाइन लगाई जा रही है। सुविधा की वजह से स्टूडेंट्स भी खुशी का माहौल जाहिर कर रहे हैं। बस्ती में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की 3री रिपोर्ट निगेटिव आई है। 4ों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि बस्ती में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। ये 4ों कोरोना से मृतक परिवार के सदस्य हैं। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन 2 का असर दिखाई दे रहा है। खाना बांटने आई गाड़ी पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ और कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंस का नाम नहीं है। ये खाने की गाड़ी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा भेजी जाती है। गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त कबीनगर स्थित होली चाइल्ड स्कूल के सामने बनाए गए सामुदायिक किचन में पहुंचे, जहां पर गरीबों के लिए खाना तैयार किया जाता है। ग्रेटर नोएडा लॉकडाउन के दौरान कोरोना से लड़ने के लिए आगे आई 5 साल की यांशी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में यांशी डीएम को अपना गुल्लक देने का निवेदन कर रही है। जालौन में एसपी सतीश कुमार, एएसपी अवधेश सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध विक्रय शराब के ठिकानों पर छापामारी की। छापे के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के जखीरे के साथ दो कारों को भी बरामद किया। अमरोहा के मोहल्ला चिल्ला में घंटे भर में शादी मुकम्मल हो गई। बाराती लॉकडाउन का पालन करते हुए बारात लेकर पहुंचे। वहीं निकाह के दौरान दूल्हा और बाराती मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इस निकाह में केवल 5 लोग शामिल हुए हैं। बागपत में किसानों को केंद्र और प्रदेश की सरकार ने राहत दी है। सरकार के फैसले पर किसानों में खुशी की लहर है। किसानों की खड़ी गेहूं की फसल को काटने का अवसर किसानों को मिला। किसानों की गेहूं खरीद के लिए भी सरकार ने गेहूं क्रय केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया है।
चित्रकूट में कोरोना के खिलाफ जंग में जनता की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान, नगर पालिका, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। लोगों ने अपने घरों में रहकर इन सभी कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया। फतेहपुर जिले में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था युवक, और युवक टीबी का मरीज भी था। घर के झोला छाप के इलाज के दौरान तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। सैंपल कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए भेज दिया गया। वाराणसी में कोरोना संक्रमण अचानक से बढ़ने के बाद नगर निगम और वाराणसी प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरतने में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर वाराणसी का मदनपुरा इलाका है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए, जिनमें से अब तक 5 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। रायबरेली में एनटीपीसी में तैनात सीआईएसएफ के 300 जवानों ने गरीबों को मास्क और खाद्यान्न की व्यवस्था कराई है। जिलाधिकारी कानपुर नगर फंडिंग इंडिया कानपुर और कानपुर परिवर्तन फोरम तथा फिक्की फ्लोर द्वारा जिला प्रशासन से सामान्य बनाते हुए 1000 राशन के पैकेट, जिसमें से 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 2 किलो अरहर दाल, 2 किलो आलू और ये पैकेट बांटे गए, जिसमें सैनिटाइजरी नैपकिन भी बांटे गए और 2 पैकेट बिस्किट, 1 नमक और अचार के जरूरतमंद लोगों को पैकेट बांटे गए। प्रशासन के सहयोग से वितरण किया जाएगा। पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से कानपुर शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोगों के बीच गुस्सा का माहौल है और व्यापारियों में भारी कंपनियों के खिलाफ गुस्सा व्याप्त भी हो रहा है। सरकार द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने मंडलायुक्त आवास में पहुंचकर मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े को ज्ञापन सौंपा। अम्बेडकर नगर में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों पर युवक की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। प्रयागराज के होलागढ़ के कस्तूरीपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमलावर ने हमला किया। हमले के दौरान एक पुलिस ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद संभल में पुलिस कप्तान लॉकडाउन को लेकर लोगों से सड़कों पर अपील कर रहे हैं। इसी दौरान सड़क पर एक मासूम बच्चा रोता दिखाई दिया, जिसको पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद ने गोदी में उठाकर गले लगा लिया। राज्य में पुलिस ने साइबर अपराध करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। बीएसपी द्वारा द साइबर सेल को साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल निखिल श्रीवास्तव और टीम द्वारा सतर्कता दृष्टिगत दी जा रही है। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के भुजौली कॉलोनी स्थित बंद पड़ी शुगर मिल में एक अज्ञात युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा 25,51,000 रूपये की सहायता राशि का चेक भी भेंट किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और हल्की फुल्की बीमारियों से संबंधित दवाइयों भी लोगों को निःशुल्क दी जा रही है। बागेश्वर में कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरू की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आहूत हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। चंपावत में जिलाधिकारी सुनील नारायण पांडे ने जिला कार्यालय सभागार में निर्णयदायी संस्था पीएमजीएसवाई पेयजल निगम राष्ट्रीय राजमार्ग आदि की बैठक ली। इस दौरान डीएम ने कहा कि सुनिश्चित कर लें कि निर्णय में कार्य करने वाले मजदूर लोकल के ही हों, जिससे उन्हें रोजगार व्याप्त हो सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह डोईवाला पहुंचे और मानव सेवा में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए सभी से मुलाकात की। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शासकीय विभाग से दिलवर नेगी हैं, जो लगातार कोरोना वायरस के चलते वह अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे प्रेस क्लब है, जो लगातार प्रशासकीय मदद के साथ राशन का सामान लोगों को निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। इनको कोरोना वॉरियर ऑफ द डे घोषित किया गया है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां गढ़वाल सांसद ने तहसील सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। गढ़वाल सांसद ने अधिकारियों से कहा कोटद्वार में रह रहे कोई भी गरीब मजदूर सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधा से वंचित न रहे।
लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में लगातार जरूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा है। विधायक मीना गंगोला ने नगर क्षेत्र में रह रहे बिहारी नेपाली मजदूरों सहित और 3 दर्जन स्थानीय लोगों को राशन वितरण किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विगत वर्षों में किसानों के बकाया भुगतान मामले में सुनवाई करते हुए 16 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को विस्तार से कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 अप्रैल की तिथि नियत की है। रुद्रपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा को कलेक्टर परिसर में तैनात होमगार्ड के आगे रौब दिखाना महंगा पड़ा। सिल्टोर चौक की पुलिस ने होमगार्ड की तहरीर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा सहित एक अन्य व्यापारी के खिलाफ सिल्टोर चौकी में लॉकडाउन के उल्लंघन समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में 15 अप्रैल से स्नातकोत्तर और स्नातक कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीसी नैनवाल ने 2 समितियों का गठन किया है जो महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मदद कर ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करेंगे। नैनीताल जिले के भीमताल में शराब की कालाबाजारी रुक नहीं रही है और जिले में शराब की कालाबाजारी कर रहे करोड़ों की शराब बेची जा रही है। इसी के क्रम में भीमताल के मल्लीताल विकास भवन चौराहे में स्थित वाइन शॉप और मल्लीताल बाजार स्थित बार को पुलिस ने आबकारी विभाग के सहयोग से 3 मई तक के लिए सील कर दिया है। चंपावत में 80 साल के पद्मा दत्त पुनेठा ने देहरादून करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पूर्व राज्य आंदोलनकारी पुनेठा का कहना है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सरकार दवाई के वैक्सीन टेस्ट के लिए उनके शरीर का इस्तेमाल कर सकती है। रुद्रपुर के प्रीत गैर कॉलोनी में मकान बनाते समय 11,000 हाई वोल्टेज की लाइन पर राजमिस्त्री के हाथ पर प्लास्टर गिरते समय एल्युमिनियम की एक रोड लगने से राजमिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल राजमिस्त्री को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रपुर में पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों पर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। खटीमा में सब्जी मंडी में 2 सब्जी वाले आपस में भिड़ गए। गश्त कर रही स्थानीय पुलिस ने सब्जी मंडी में लड़ाई के बीच जाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर लड़ाई रुकवाई। युवकों को हिरासत में लेकर उचित कार्रवाई भी की गई। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जनपद पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन बेस चिकित्सालय भवन को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग व विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ इसका स्थलीय निरीक्षण किया। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते सरकारी विद्यालयों में भोजन योजना भी संचालित नहीं हो पा रही है। वहीं राजकीय शिक्षक संघ पिथौरागढ़ ने अपनी जन सहायता अर्थ मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में अध्ययन गरीब व निर्धन परिवारों के बच्चों को अपनी तरफ से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया है। रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में इन दिनों बच्चों को टीका लगाने वाली महिलाओं की भीड़ जुटी हुई है, लेकिन अस्पताल में तैनात एएनएम दीपा जोशी लोगों को लाइन में लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रही हैं, जिसके बाद वो टीकाकरण का काम शुरू कर रही हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में सोशल डिस्टेंस की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। मुख्यालय के नए बस अड्डे पर घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। लॉकडाउन के सारे नियमों को तोड़ते हुए एक साथ जनता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और किसी ने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के कपाट तय तिथि पर 29 अप्रैल को प्रातः 6:10 तक खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट खोलने से पूर्व केदारनाथ धाम जाने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। बासपुर विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर पट्टी में एक चीतर जंगल से भटक कर आ गया। चीतल को देखकर कुत्तों का झुंड उस पर झपट पड़ा और उसे घायल कर दिया। नैनीताल के स्टाफ हाउस में रहने वाले 15 वर्षीय छात्र ने घर से सटे जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची नैनीताल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
दामोह जिले के पथरिया से विधायक रामबाई ने मंत्री बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। रामबाई जिस शिवराज सिंह मंत्रिमंडल शामिल में हो सकते हैं, ये दावा खुद रामबाई सिंह कर रही हैं और उन्हें ये आशा है कि गरीब की सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें मंत्री बनाएंगे। मीडिया से चर्चा में रामबाई सिंह ने साफ किया है कि पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कभी भी मंत्री बनाने का आश्वासन नहीं दिया, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री बनाई जाएंगी। सिलवानी के रायसेन मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम और बचाव के संबंध में प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय प्रबंधन समूह में बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर और जिला दंड अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने की। जिला स्तरीय प्रबंधन समूह की इस बैठक क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, विधायक सुधेंद्र पटवा, विधायक देवेंद्र पटेल गडरवास और जनप्रतिनिधि धर्मगुरु और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भिंड में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस काफी सख्त रवैया अपना रही है। बता दें कि लोगों को घरों में रहने की हिदायत दिए जाने के बाद भी कई महिलाएं और पुरुष बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में ले लिया। वहीं अटेर रोड पर 3 महिलाएं घूमती नजर आई। पूछताछ के दौरान वो पुलिस को सही कारण नहीं बता पाई, जिसके चलते उन्हें जबरन हिरासत में लिया गया। देशभर में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है, वहीं कोरोना वायरस को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विलासपुर शहर की लाल बहादुर शास्त्री मैदान में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल लगवाया गया है, जिसे बाजार के एंट्री प्वाइंट पर लगाया गया है। बता दें कि जो कोई भी सुबह मार्केट आता है तो उसे सबसे पहले टनल से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वो सैनिटाइज हो सके। इसके लिए बाजार पहुंचे हर शख्स को इसी छोटी सी टनल में 3 से 5 सेकंड की पूरी दूरी तय करनी होती है। इसी दौरान टनल से गुजरने पर शख्स सैनिटाइजर हो जाता है। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रीपाली गांव में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। बासी खाना खाने के 30 से 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी ने जीवराखन ध्रुव के यहां दशगात्र कार्यक्रम में सामूहिक भोज में खाना खाया था। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील हो गई। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 170 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रोजाना यहां पर 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। बता दें कि जहांगीराबाद क्षेत्र में पुलिस द्वारा 13 ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोगों की निगरानी की जा रही है। जो भी व्यक्ति इस ड्रोन कैमरे में घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है तो उस पर लॉकडाउन के तहत कार्रवाई की जाती है। जहांगीराबाद क्षेत्र पर छावनी से तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और चारों तरफ से कंटेनमेंट एरिया की तौर पर सील किया गया है। बालोद के SECL कॉलोनी पर पीपी किट पर बॉडी हीट टेम्परेचर मशीन से कॉलोनी के लोगों की घर घर जाकर जांच की गई, जिसके लिए डॉक्टर की एक टीम भी गठित की गई। बता दें SECL प्रबंधन ने लाखों रुपए खर्च कर सैनिटाइजर सेंटर का भी निर्माण करवाया है, जहां पर लोगों की ज्यादा भीड़ होती है वहीं इस सेंटर को स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ खबरें दिनभर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।